मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मैं कारवाने हवा की जानिब से और मोहतरमा नाज़ परवीन साहिबा की जानिब से आप तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। हमारे लिए आज ये बहुत खुशी का मौका है कि हम मोहतरमा नाज़ परवीन साहिबा की किताब की पज़ीराई के लिए यहाँ सब जमा हुए हैं। उन्होंने अपने कालमों को जमा किया एक किताब की सूरत, और आज हम सबको जमा किया एक महफिल की सूरत। तो मैं अपनी तरफ से और अपने तंजीम की जानिब से पहले तो नाज़ परवीन साहिबा को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। हरफ और मानी के रिश्ता आहे आहन से, आदमी है वाबस्ता आदमी के दामन से, ज़िंदगी है वाबस्ता। नाज़ एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी तमाम तर्ज शगुफ्ता बयानियों के साथ मधुर आवाज़ और रिम झिम जैसे कॉलम्स के ज़रिए मुतारिफ हुई। आज हमारे मौजूद मेहमान इजहार ख्याल करेंगे। हम प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तिलावत कुरान पाक से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना त्वैना कल कौसर, इन्ना त्वैना कल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदकल्लाहुल अज़ीम। सल्ली अला नबीना,
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरी मजबूरी ये रही कि नाज़ ने मुझे टेलीफ़ोन करके तो कह दिया किताब मुझे नहीं भेजी। मैंने मलिक साहब को कल कहा कि जी हमारी बहन ने मुझे कहा है तो वो किताब ज़रा मुझे दे दे, मैं थोड़ी सी देख लूँ। तो उन्होंने कहा जी वो किताब तो शायद आज मेरे पास नहीं है। बहरहाल मेरे हिसाब से नाज ने छोटे से अरसे में अपनी शनाख्त की है, और मैंने जो इनके कालम थोड़े बहुत जो पढ़े हैं उसमें बड़ी पुख्तगी है। और एक तो मैं गिला इनसे ख़ुद करूंगा, दूसरे अपने भाई से ये गिला करूंगा कि आपके पास इतनी ज़बरदस्त शरीक हयात थी, आपने उनको छुपा के रखा। ये जो है इनमें माशाल्लाह बड़ी सलाहियत है, ये बड़ी कारकुन है, और हमारी तरफ से उनको जितने भी हम दोस्त भाई बहन हैं बड़े हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे। और जो है इंशाल्लाह हम देखेंगे, आप सब देखेंगे कि हमारी ये बहन जो है इस सूबे की उभरती नहीं बल्कि एक कलीदी किरदार अदा करेगी। थैंक यू वेरी मच। कॉलम के मानी अकसाम मकासद अहमियत मकबूलियत पर तो अहबाब बात यकीनन करेंगे। मैं इसे किनारा कश होकर सिर्फ एहसास और नाज परवीन साहिबों पर बात करना चाहूँगा। नाज परवीन से मेरा तारुफ एक साल कबल डॉक्टर नादिया रजा अली के वसादत हुआ, यहाँ पे मौजूद भी है। रोज़नामा कसूटी में अदबी अतफाल की तरवीज के लिए सफ़े के इजरा के सिलसिले में मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, और मलिक साहब यहाँ भी मौजूद हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सवाल से सपोर्ट किया, और हमने रोज़नामा कसूटी में हफ्तावार बच्चों का एक सफ़ा कॉम्प्लिक के नाम से शुरू किया जो आज तक जारी है। उसके 45 शुमारे आ चुके हैं, वीकली उसका शुमार आता है। इस दौरान नाज परवीन के कॉलमों को पढ़ने और इन्हीं की आवाज़ में उनके कॉलमों को सुनने का मुझे मौका मिला। नाज एक एहसास लिकारी है, उन्होंने अपने एहसासात और जज्बात को एहसास का ही नाम दिया है। पिछले महीने नाज की किताब शाया हुई जिसमें उनके मुंतखब करदा 50 कॉलम शामिल हैं। उनमें मालूमाती कॉलम भी है, मुआशरती समाजी और शख्सी कॉलम भी। शख्सी कॉलमों में नाज ने जिन शख्सियात का जिक्र किया है उनमें बेनज़ीर भुट्टो, बाइडन, दलीप कुमार, इस्माइल तारा, आमिर लियाकत वगैरह शामिल हैं। नाज परवीन चूंकि अदीबा है, उनकी उठक बैठक अदीबों के साथ रहती है, यही वजह है कि उनके कॉलमों में भी अदबियत को वाजह तौर पर महसूस किया जा सकता है। उन्होंने जगह जगह मरूफ शुरा के अशार भी शामिल किए हैं जिनमें मिर्ज़ा गालिब, नासिर काजमी वगैरह शामिल हैं। एक बात पर मैं एतराज़ करूँगा कि नाज ने बाजगों पर मुकम्मल नज़में और मुकम्मल गज़लें शेर की है जिसका मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी, जो मुकम्मल चूँकि उन्होंने कॉलम के मुताबिकत से अशार तो इस्तेमाल किए वो तो ठीक है, लेकिन मुकम्मल नज़म और गज़ल की कोई जगह उसमें नहीं बनती थी। इसके साथ कॉलमों के उन्वानात बड़े दिलचस्प है, उन्वानात देकर कारी खुद ब खुद उसकी तरफ खींचता चला जाता है। मैं चंद उन्वानात के नाम सिर्फ बताऊँगा: पागल कौन, खामोशी की ज़ुबान, आप तसल्ली से मर जाएँ, शीशे का पुल वगैरह। चंद उन्वानात तो हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प रहे, मसलन शादियाँ, रोटी, पलों का बादशाह वगैरह। चूँकि उन्वानात मैंने बताए हैं तो मुझे 2-3 इक्तिबासात की इजाज़त भी दीजिए। इन इक्तिबासात की पेशकश से नाज परवीन के उसलूब का अंदाज़ा भी हो जाएगा और उनके शगुफ्तापन का भी। नाज परवीन एक जगह लिखती है कि हमने तो सुना है कि मौसीकी रूह की गज़ा होती है,
लेकिन शादी हॉल में जितनी बुलंद आवाज़ में म्यूज़िक बजाया जाता है दिमाग की छवलें हिल जाती हैं, साथ बैठे बंदे से बात करना भी मुहाल हो जाता है। इस मौका पर ज़्यादातर ख़वातीन इशारों की ज़ुबान इस्तेमाल करती नज़र आती हैं। हमारे मजाजी खुदा का कहना है कि ऐसा जानबूझ कर किया जाता है ताकि ख़वातीन एक दूसरे की गैबत ना कर सके। इसके साथ कॉलम के इख्तिसार ने इस किताब की खूबसूरती बढ़ाई है। नाज़ुक कमाल यह है कि उन्होंने बेशतर कॉलमों में मुख्तसर वाक़ियात भी पेश किए हैं जिससे कारी की दिलचस्पी बढ़ती है। मैं एक मिसाल पेश करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले दिलखराश वाक़िया नज़र से गुजरा, एक भयानक वीडियो और फिर कातिल का एतराफ़ जुर्म। कत्ल होने वाली खातून एक बावकार शख्सियत की मालिक और घर बड़ा खूबसूरत सजा सवरा हुआ, लेकिन संगमरमर के फर्श पर मकतूला के खून के दब्बे। तफसीलात के मुताबिक घर में रहने वाले कमसिन मुलाजिम ने तनख्वाह ना बढ़ाने पर खातून को चूरियों के वार करके कत्ल कर दिया और फिर उसका एतराफ़ भी कर लिया। इससे और भी काफ़ी मिसालें हैं लेकिन मैं आप लोगों का मज़ीद वक्त नहीं लूँगा। हाँ, एक बात ज़रूर करूँगा कि इस किताब में रमूज़ औक़ाफ़ की बेतहाशा गलतियाँ हैं जिस पर नज़रसानी की अशद ज़रूरत है। मैं अगर मिसाल के तौर पर सिर्फ एक कॉलम है सफ़ा 84 पर मुनाफ़िक़त ज़िंदाबाद, सिर्फ इस एक कॉलम में मैंने 50 से ज़्यादा गलतियाँ नोट की है। तो चूँकि ऐसी किताबों का हुसन मान पड़ जाता है तो उस पर भी गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम आप सबको। सबसे पहले नाज़ परवीन अमजद भाई और उनकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करती हूँ। एहसास की दुनिया और कलम की रवानी, नाज़ परवीन। जुनून में डूब के लिखता रहे सरे औराक, जुनू में डूब के लिखता रहे सरे औराक, मेरा कलम कभी लफ्ज़ों से शर्मसार न हो। मेरा ये शेर जब मैं अपने लिए लिख रही थी तो इसमें दुआ शामिल थी। आज ये शेर मैं नाज़ परवीन को डेडिकेट करते हुए बहुत नेक तमन्नाएं और दुआएं देती हूँ। मैं समझती हूँ कि नाज़ परवीन ने वाकई कलम का हक अदा कर दिया। हसास इंसान एहसासात की दुनिया में रहता है बल्कि हर लिखारी हसास फितरत का मालिक होता है। एहसास के नाम से नाज़ के कॉलम्स जिस खूबसूरत अंदाज में सामने आ रहे हैं तो इनसे नाज़ के वसीउल मताला होने का अंदाज़ा होता है। माशरे में फैले मसाइल पर कलम उठाना आसान नहीं। एक अच्छे लिखारी के पास उम्दा तहरीर के लिए 4 मीम का होना बहुत ज़रूरी है। मालूमात, मौजू, मुशाहिदा, मेहनत। मगर मैं इन में 5वां मीम शामिल करना चाहूँगी और वो है मोहब्बत। मोहब्बत यानी कलम से, हालात से मोहब्बत, लोगों से, मुआशरे से, अपने गिर्द व पेश से मोहब्बत। मोहब्बत के मानी इतने वसी हैं कि हर चीज़ में मिलेंगे। मोहब्बत ही इंसान को हर चीज़ से आशना करवा देती है। बस दिल में गोश आए, मोहब्बत को रोशन रखा जाए। मालूमात आपके कलम और अकल की वजह से होती हैं। मताला और मशाहिदा इंसान का इल्म बढ़ाता है, लफ्ज़ों की पहचान होती है, मानी समझ में आते हैं। मशाहिदा करते वक्त वक्त के साथ साथ तजुर्बा भी बढ़ता रहता है। इसके लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, रियाजत करनी पड़ती है। अगर इन 5 चीज़ों पर गिरफ्त मजबूत हो जाए तब कहीं जाकर एक खूबसूरत दिल को छू लेने वाली तहरीर का जन्म होता है। लोगों से मोहब्बत का मतलब इंसान जिस माशरे में रहता है माशरे की खामियों खूबियों से भी वाकिफ होता है। एक अच्छे लिखारी की खूबी इसकी तहरीर होती है और उम्दा तहरीर के लिए इन 5 चीज़ों का होना लाजिम होता है। कलम एक अच्छे लिखारी की ताकत, एक हथियार है, क्योंकि एक लिखारी इल्म, तजुर्बात, सोच, जज्बात और मुशाहिदात, एहसासात, महारत और तख्लीकी सलाहियतों के बल बोते पर माशरे की अच्छाइयों और बुराइयों को ज़ेरे कलम ला सकता है। माशरे की अक्कासी लफ्ज़ों की ज़ुबान से होती है। साइल की तशरी और मसाइल की तशरी और बेहतरी के लिए रहनुमाई और मशवरे इस लिखारी की काबिलियत को जाहिर करते हैं। यहाँ मैं बात करूँगी नाज़ परवीन की एक नोयाफ्ता हसास जज्बात और एहसासात से भरपूर दिल रखने वाली खूबसूरत लिखारी नाज़ परवीन।
जिन्होंने कम अरसे में अपने हसास कॉलम्स के जरिए माशरे की अच्छाइयों बुराइयों को जेर कलम लाकर माशरे के नाजुक मसाइल की निशानदेही इस खूबसूरत अंदाज से की कि कारी को इनके अगले कॉलम का इंतज़ार रहता है। ये कोई आसान काम नहीं कि जुर्रत और हिम्मत से माशरे की ज़िंदगी के नाजुक मसाइल को छुआ जाए। ये सच है कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। नाज परवीन से पहली मुलाकात में ही मुझे उनके वसीउ नज़र होने का अंदाज़ा हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब नाज के कालम कसौटी अखबार की जीनियत बने तो अपने अंदाजे पर बेहद खुशी हुई। नाज में एक मंजी हुई लिखारी मौजूद है, वो हर सिचुएशन को लफ्ज़ों में बखूबी बयान कर देती हैं। एक लिखारी का कलम जैसे नाजुक खूबसूरत लफ्ज़ों के मोती पिरोने जानता है, वहाँ उसका कलम निश्तर चलाना भी खूब जानता है, जिससे माशरे की बुराइयों को सरेआम लाया जाता है। बस हौसला, हिम्मत, जुर्रत और सदाकत ही कलम पकड़ने वाले का कमाल होता है। एक जगह मैंने ही कहा कि मेरे कलम के बारे में, वो मैं नाज के लिए सब आज मैं कह रही हूँ, कि बेजुबान मेरा कलम आग उगलती सांसें, बेजुबान मेरा कलम आग उगलती सांसें, लफ्ज़ मानी और दलीलों में है पलती सांसें। ये कलम की हैं। नाज की किताब हसास में लगभग 50 के करीब कॉलम्स शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन जमील साहिबा इतने अच्छे अल्फाज का, और नाज परवीन साहिबा मधु करने का। हो बंदे आज़ाद अगर साहिब इल्हाम, है उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महमेज़, उसके नफस गर्म की तासीर है ऐसी, हो जाती है खाके चमनिस्तान शरर आमेज़, शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, किस दर्ज बदल जाते हैं मुर्गान सहर खेज़। नाज परवीन साहिबा से शनासाई कुछ ही मुदत की बात है, मगर ग्रुप में शामिल हुए, कालम सुने, कालम पढ़े, और जल्द ही बहुत देरीना ताल्लुकात जैसी मोहब्बत और आशनाई हो गई। अब कमाल उनकी मोहब्बत आमेज़ पुरखलूस शख्सियत का है, या कॉलम निगारी के ज़रिए दिलों को मोह लेना। मेरे ख़्याल में नाज परवीन में ये दोनों कमाल पाए जाते हैं। करवाने हवा फॉर्म जो वाकई बिनते हवा के लिए एहसासात फिक्र फन के इजहार का खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बुशरा फरुख साहिबा बिला शक शुबा बहुत मोहब्बत बहुत मेहनत से इसे आगे ले जा रही हैं, कामयाबियों की सीढ़ियां तय कर रहे हैं। अल्लाह पाक और कामयाबियां ता फरमाएं और ये हलका इसी तरह वसी होता रहे। शाहीन जमील साहिबा जिन्होंने, मैं मशकूर हूँ इनकी, इन्होंने अपने ग्रुप का हिस्सा बनाया, इनके ज़रिए तारुफ हुआ, यूँ इन साहिब कलम और साहिब किताब ग्रुप के ज़रिए परवीन नाज परवीन साहिबा और हम मुंसलिक हुए। नाज परवीन की पुरखलूस और मोहब्बत भरी शख्सियत से हट कर उनकी किताब एहसास पे बात करती हैं। इस किताब में 47 कॉलम्स हैं और इस लिहाज से इन्होंने इतने ही मसाइल पे कलम उठाया है। बड़े तदाद से अफरात और तफरी से बचते हुए नाज परवीन साहिबा ने इजहार राय किया है, और माशरे के मुख्तलिफ अच्छी या बुरी अकदार और मसाइल की निशानदेही की है। उनके लबो लहजे की तरह उनके अल्फाज भी नरमखू और मुअद्दब होते हैं। इंतहा पसंदी की जगह एक मुतदिल रवैया, माशरे की खूबियों को सामने लाना, उनको सराहना और बुराइयों की इस तरह से निशानदेही करना कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए। मिट्टी रवायात हों, अकदार हों, मौसमों का तगैर, शादी की तकरीबात या उसमें बेहुदा रस्मात, मेले ठेलों पर पाबंदी, मीडिया की बेरारहवी, सब पे इन्होंने कलम उठाया और खूब उठाया है। बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कारण के सामने उनके मसाइल को रखा है और उनको सोचने पे मजबूर किया है।
जैसे उन्होंने मेले ठेलों पे पाबंदी पे जब कॉलम लिखा तो पता चला कि जी पेशावर में मज़ीद पाबंदियाँ सैर व तफरी की जो बहुत महदूद खैबर पख्तूनख्वा में है, तो पढ़ के दिल उदास भी हुआ कि हम अपने आप को किस कदर महदूद और एक तनाव में इस सूबे को हम ले जा रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें इनके कॉलम पढ़ के हमारे इल्म में आती हैं। ये दौर डिप्रेशन का दौर है, ज़हनी तनाव का दौर है, दौरे जदीद है, हर किस्म की सहूलत है, तन आसानी मैसर है, लेकिन मोहब्बतें और ताल्लुकात मान पड़ गए हैं जो गुजरे दौर का खासा थे। यहाँ तक कि हम जैसे लोग जिनकी सुबह चाय की मसहूरकन खुशबू, रोहनी बालाई अंडा और साथ अखबार की ताज़ा अखबार की प्यारी सी खुशबू हमारे नाश्ते का मुकम्मल एक हिस्सा होती थी, उसके बाहर हमारा नाश्ता मुकम्मल नहीं होता था। लेकिन अब हालात ये हैं कि सुबह अगर हम अखबार देख लेते हैं तो सारा दिन डिप्रेशन रहता है कि हमने आज ये हुआ और कल इस तरह से होने जा रहा है। ऐसे में अगर कलमकार हल्के फुल्के अंदाज में और नरम अल्फाज में मुआशरती हकीकतों को सामने लाते हैं तो बेशक ये मुस्बत रवैये हैं और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जिस वक्त उन्होंने अपनी किताब मुझे दी तो उन्होंने मुझे पुरशफीक बहन और बड़ी बहन कहा, और हकीकतें नहीं है, हकीकत यह है कि इनसे ऐसी ही मोहब्बत है जैसे अपनी बहन से होती है। थोड़ी अरसे में हमारा इतना मोहब्बत का प्यार का ताल्लुक कायम हुआ है। यहाँ मुझे वो मैं इनसे कहती होती हूँ कि ये बात ये होती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दुनिया में किसी को जानते नहीं लेकिन जब हम उनसे मिलते तो हमें उनसे बहुत एक प्यार होता है, एक अपना गीत से महसूस होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मकामे सिरी की मोहब्बत है कि अल्लाह ताला के पास रूहें जमा शुदा ग्रोहों में होती थी, जब कुछ भी नहीं था तब अल्लाह ने नफूस पैदा किए हुए थे और वो नफूस अल्लाह की कुर्बत में रहते थे। अलस्तु बि रब्बिकुम कालू बला, ये उसी दौर का अहद है जो हमने अपने रब से किया। तो फरमाया कि उसमें आप ग्रोहों में होते थे, तो जो ग्रोह में जितनी रूहें होती हैं अगर वो दुनिया में कहीं दूर हों कहीं फासलों पे हों लेकिन जब भी वो आपस में मिलती हैं तो वो पुरानी मकामी सिरी की मोहब्बत उनको वहाँ पे दुनिया में दोबारा महसूस होती है और वो करीब होती हैं। तो ऐसे ही लगता है कि हम वहीं पे कहीं इकट्ठे थे, अल्लाह की आवाज़ सुनते थे, हमारी रूहें वहीं वजद में होती थी, अल्लाह की कुर्बत में हमने वहाँ इकट्ठे ये लम्हात गुजारे। तो मैं मुबारकबाद भी पेश करती हूँ इनको कि ये इनके कलम से टिपकने वाला पहला कतरा है। उम्मीद है नास परवीन साहिबा रुकेंगी नहीं, आगे बढ़ती रहेंगी, कलम चलता रहेगा। ये भी कलम का जहाद है, माशरे में मौजूद खामियों की निशानदेही करना, उनको दूर करना, माशरे में मौजूद जो माहौल में जो मुस्बत अकदार हैं, रवायात हैं, उनको सामने लाना, उनकी तहसीन करना, उनके लिए राहें हमवार करना और सोचने पे मजबूर करना, ये कलम का जहाद है। अल्लाह इसका हिस्सा बनाए रखे और अल्लाह पाक हमें नेकी और हदायत और सच का रास्ता अता करे। मैं उनके घर वालों को भी, उनको, उनके बच्चों को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीस को इस इतनी खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, जज़ाकल्लाह खैर। नाज एक सच्ची खरी और बहुत ज़्यादा हसास बंदी है और इसकी मिसाल एहसास है जिसमें उन्होंने हर बात खरी और सच्ची की है। जहाँ जहाँ उसकी नज़र गई है शायद इस तरह एक आम बंदे की नज़र वहाँ ना जा सके या शायद वो उसे महसूस ना कर सके, लेकिन वो महसूस करती है, उसकी सीने में एक दरमन दिल है। मैंने जब नास की बुक एहसास पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि जैसी उसकी शख्सियत है वैसे उसकी बुक भी है। वो बहुत हमदर्द, हर किसी के मदद के लिए हर दम तैयार और हर किसी को इज्जत देने वाली है। एहसास के नाम से जो कालम उन्होंने लिखे हैं वो सब सुनहरी अरफों में लिखने के काबिल है। अपने आखिरी कालम कसूरवार कौन में जो उन्होंने एंट्री टेस्ट के बारे में लिखा है वो ज़बरदस्त तहरीर है।
उसका एहसास मुझे भी कई बार हुआ था, जब हर बार ये टेस्ट हो जाता था और उसमें इतने लाइक लाइक बंदे रह जाते थे तो मुझे अक्सर ये एहसास होता था, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं दफन हो गया। लेकिन नाज ने अपने कलम से इस एहसास को बेदार किया और मैं समझती हूँ ये कलम जो है ये सब पर बाजी ले गया है। मेरी दुआ है कि नाज परवीन हमेशा अपने कलमों में सच के सुनहरी अरूफ बखेरती रहे और अपना एहसास हर किसी के दिल में जगाती रहे। अल्लाह करे उसका ज़ोर कलम और ज़्यादा हो। मुझे नाज ने कहा था कि 2 मिनट बात करनी है, लेकिन मैं 1 मिनट बात करके ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब उस पर कहने के लिए बहुत लोगों ने कहा भी है और मैंने भी कहा है कि नाज बहुत ज़्यादा हसास है और उसके ज़बरदस्त कलम है, आप हर एक पढ़िए तो आपको उसमें अलग ही मज़ा महसूस होगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूँगा भाभी को कि उनकी किताब जो है वो तैयार हो गई। सहाफ़त का और कालम नवीसी का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। यकीनन हमारे जो सहाफ़ी हैं वो ख़बरों की अशात में और डेली रिपोर्टिंग पे काम करते हैं, कुछ हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो कालम भी लिखते हैं, मैंने भी कुछ अरसा लिखा, लेकिन ये एक मुश्किल काम है। वैसे ये महसूस होता है कि ये किताब लिखना बड़ा आसान काम है, कालम लिखना बड़ा आसान काम है, लेकिन वाकई इंतहाई मुश्किल है। जब आप बैठते हैं लिखने के लिए आपके पास अल्फाज नहीं होते कि इसको किस तरह पूरा किया जाए, ज़ाहिर है कि वो एक ख़बर नहीं होती, पूरा एक तवील कालम लिखना पड़ता है। तो ये बाज़ुकत मैं कहता हूँ कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की किताब लिखते हैं, बायोग्राफीज लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी के हवाल लिखते हैं उसके अंदर, कुछ लोग अपने तजुर्बात को तहरीर करते हैं, कुछ मुशाहदात को कलम के ज़रिए लिखते हैं। कोशिश ये होती है कि जो भी मसाइल हैं उनकी तरफ निशानदेही की जाए और कोशिश की जाए कि लोगों को उन मसाइल से आगाह किया जाए। इन कॉलम्स के ज़रिए बड़े हल्के फुल्के अंदाज में जो भी माशरे की खामियां हैं उनको उजागर किया जाता है, और यकीनन मैं समझता हूं कि हमारे सूबे में भी बड़े अच्छे कालम नगार हैं। मेरा नहीं ख्याल था कि हमारी भाभी इतनी तेज़ होंगी और लिख लेंगी, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अच्छे कालम लिखे और आज उनकी किताब की रुनुमाई भी हो रही है। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा, उम्मीद रखूंगा कि ये सिलसिला चलता रहेगा और हम उनके कालम पढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बड़ा का फरका सा है, खाका सा है, कोई बोर करने वाली तकरीर मेरी नहीं है। शौक गुलाबी रंग में मलबूस बेगम साहिबा टाइप की बूटे से कद कामत वाली एक खातून से तारफ कराया गया। ये अमजद अजीज मलक की मिसिज है। आवाज़ आ रही है ना? जी जी आ रही। नहीं आ रही फिर मज़ा नहीं आएगा ना? ठीक है जी आ रही। अच्छा, पहला तासर ये हुआ कि जनाब मलक साहब की दूसरी बीवी होंगी जिन्हें बड़ी चाहत से योम जमहूरिया चीन की तकरीब में लाए हैं। तो ये कि नाज परवीन का पहला तशख्स टिपिकल बेगम साहिबा का था कि जिनकी अपनी पहचान नहीं होती वो सिर्फ अपने साहब की शनाख्त रखती हैं। लेकिन आज चंद साल गुजरने के बाद नाज परवीन की अपनी शनाख्त और अपनी पहचान बन चुकी है। आने वाले नए लोग मलक साहब का तारुफ कराएंगे, ये साहब नाज परवीन के हस्बैंड हैं। रफ्ते रफ्ते हमारी मुलाकातें होने लगी और हम करीब आने लगे। नाज परवीन के जौहर खुलने लगे, कसौटी डिजिटल पर इंटरव्यूज़ किए, अच्छा तासर कायम किया, कंपेयर की वो भी खूब रही। सादा सुलझा और फितरी अंदाज दोनों शोबों की कामयाबी की जमानत बना। अब बात तो होगी नाज परवीन की कालम नवीसी पर। हर छोटे बड़े फन और हुनर के कुछ जवाबत और असूल लाजम हैं। कालम नवीसी के भी असूल और जवाबत मुतायन हैं। इनकी पाबंदी लाजम थी, मगर वो गुजरे ज़माने की बात हो गई है। भीड़ों के छत्ते से बचकर निकलने में आसानी है, तो इस मौजू को छेड़ने से अच्छा है कि नाज परवीन के कालमों के पहले मजबूआ
एहसास पर ताज की मदम रोशनी में हमें भी एहसास हो जाए कि नास की हसासियत ने कहाँ निश्तर छुपोए हैं और मरम रखने की सही में दिल और जिगर के फफोले भी फोड़े। नाज के एहसास के काल बड़े दर्दनाक दर्दनाक से होते हैं, ऐसा दिल दुख सा जाता है और बड़ा सख्त मुश्किल होता है पढ़ना। बाजों कोई बारी बातें होती हैं ना जो हमें बड़ी तकलीफ देती हैं। हमें ज़माना, हमें रोज़गार की आफतों में शराबूर, ये सारे दुख दर्द माशरे और माशरे के मजलूमों के हैं। माशरत के खटन रास्तों और रसूम और रवाज पर पुरना कभी सियासी जमीले तो कभी मुल्क और इस मुल्क के अवाम की बेबसी और जहालत का मातम। वही बात के सारे जहां का दर्द एहसास में आज छपा है। एहसास लोगों का सरमाया एहसास ही तो है। बिलाशुबा एहसास के ज़्यादातर कालम माशरती और मुआशी मौजूआत को समेटे हुए हैं। सियासी और मजहबी रंग भी झलक जाता है। बाज़े कालमों में अच्छी खासी मालूमात भी मिल जाती हैं। शख्सियात के ज़िक्र में अपनी पसंद और नापसंद के मामले में इंसाफ का तराजू लर्जने लगता है। और यहीं पर आकर मेरा ज़रा इससे इख्तलाफ हो जाता है जो ज़ुबानी कलामी करती हूँ उनके साथ। एहसास के चुनिंदा कालमों पर बात हो सकती है मगर वक्त की गिरफ्त सख्त है। नाज परवीन की बातों और तहरीरों में सादा सादापन और साफ गोही की अमेजस अच्छी लगती है। मासूमियत से बता देती हैं कि लड़कपन से मुतालिक शौक़ था और दोनों ने सफ़र रोज़ाना की रोदात लिखने की आदत और अदब नवाज दोस्तों से मिलते जुलते रहने से लिखने की तरफ तबीयत माहिर हुई। माशरे में हर सु फैले मौजूआत ने तहरीक दी तो कलम नवीसी की तरफ कलम खुद ब खुद बढ़ने लगा। कलम नवीसी की तरफ कलम के रुझान ने नाज को कलम नवीसों की सफ में कदम जमाने का मौका फराहम कर दिया है। तो सफ़र जारी रहना चाहिए मगर अदब की जानब तवज्जो और रहमत बढ़ जाए तो अच्छा होगा कि कलम मौसमी परिंदों की तरह वक्ती उड़ान रखते हैं। कलम नवीसी अदबी आलिया में नहीं आती, ये मेरी अपनी राय है। अगर इतराज़ हो तो वो तो खैर अलग बात है, वो तो होता है, मैं नहीं समझती। कम अज़ कम वो अंग्रेज़ी अदब से शनासाई नास के लिए उर्दू अदब में महमीस का काम दे सकती है। इसलिए कि जो लोग अंग्रेज़ी अदब स्टूडेंट्स रहे होते हैं उनके लिए बहुत मैदान होता है उर्दू अदब में कदम बढ़ाने का। थोड़ा सा और, थोड़ा सा अभी नहीं। एहसास के चुनिंदा कालमों पर बात करने को दिल चाहता है। कालम रहमतुल आलमीन में एहतजाज के हवाले से अपनी कौम की ज़हनी ज़बू हाली का ताज़िया खूब कहा है। खामोशी की ज़ुबान कालम में मज़े का फ़िक्र है। दुनिया में सबसे ज़्यादा समझने वाली ज़ुबान अंग्रेज़ी चीनी अरबी नहीं बल्कि खामोशी की ज़ुबान है। कालम फलों का बादशाह ज़रात पेशा हज़रात की दिलचस्पी का सामान रखता है और नाज ने आमों के शजरे ही खंगाल दिए हैं। हम मुसलमान हैं, कालम में मुसलमान की तकरार अच्छी रही और फिक्र पुरमानी भी है कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतने जन्नती नहीं देखे जो जलती लाश के साथ मोबाइल फ़ोन पकड़कर वीडियो और सेल्फी बना रहे थे। बहुत सोच की दावत देने वाला फिक्र। अच्छा, रिमझिम कालम मुझे अच्छा लगा जब नास ने कहा रेन रेन को, ये जब है ना रेन रेन गो अवे को, नास ने कहा बारिश बारिश चली जा। अपनी प्राइमरी क्लास याद आ गई कि रेन रेन गो अवे वाली बात हो, आप लोगों ने भी तकरीबन पढ़ी होगी। अच्छा, गवालों के तर्जुमान कालम के बाद यकीनन किसी साहिब दिल गवाले को
नास के लिए खालिस दूध का कोटा मुकरर करना चाहिए था। अब ये नास को अगर नहीं मिल रहा खालिस दूध तो फिर तो गई ना बात। होना चाहिए था कि कोई गवाला तो इनके लिए सादा और खालिस दूध मुहैया कर ही देता। ये हो सकता है हो भी इन हमें छुपाया। अच्छा एक है बुढ़ापा और तन्हाई। कालम बड़ा बार रौनक है। कालम के आखिर में नज़म बुढ़ापा खूबसूरत है। इसने तो समय बांध दिया। इस समय के हम यहाँ नाज परवीन के एहसास की तकरीब में मौजूद है तो कह सकते हैं कि वाकई बुढ़ापा खूबसूरत है। अब देखिए आप लोग माने ना माने कि हम बूढ़े हैं और हमारे लिए इस वक्त ये समय भी खूबसूरत हो तो फिर तो ज़्यादती होगी ना। जवानों से माजरत के साथ। अच्छा शुक्रिया। बस मैंने इतना ही हल्का फुल्का सा कुछ कह देना था कह दिया। लेकिन एक बात यह है कि जो अक्सर मैं महसूस करती हूँ मेरे साथ भी तकरीबन हुआ कि मैं भी रूनमाई करवाने का शौक़ रखती हूँ। किताबों की रूनमाई में एक ये बात खटकती है कि इसमें मुदल्लल मदाई होती है। बहुत शुक्रिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि मुझे किस खाते में बुलाया गया है, क्योंकि न तो मुझे दावतनामा आया प्रॉपर, नहीं किसी ने कहा है कि भाई आपने कुछ बोलना है, न किताब मिली है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो मुबारकबाद ही दे सकता हूँ कि अच्छी बात है कि कलम निगारों की तादाद में, हमारे जो कलम निगार हैं उनकी तादाद में इजाफा भी हो रहा है और वो अपने कलमों को यानी अब किताबी सूरत भी दे रहे हैं। हम तो आज तक नहीं दे सके। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नास परवीन के कॉलम्स पर मुश्तमिल किताब एहसास पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। हमारे कारवान हवा लिटरेरी फोरम की मैं समझती हूँ कि खुशकिस्मती है कि हमें नास परवीन जैसी मुखलिस और मेहनती मेंबर मुयसर आई। हर मुश्किल हर काम में हाथ बटाना और हर छोटे बड़े का एहतराम और प्यार उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है। कॉलम पढ़कर मैं बड़ी बाकायदगी से उनके कॉलम पढ़ती रहती हूँ। बाज़ वक्त उसका कोई कॉलम पढ़कर मैं दंग रह जाती हूँ कि वो मसला जिस पर उसने लिखा है इसकी गूंज तो अभी इर्द गिर्द घूम ही रही थी और नास फौरन उसे मंजर आम पर ले आई। दो तीन माह पहले हम सब मेंबर्स इस्लामाबाद किसी कॉन्फ्रेंस पर गए हुए थे। नाज अपनी सीट पर बैठी गर्द नवा का बड़े गौर से मुआयना कर रही थी और मुझे दिल ही दिल में सोच कर हंसी आ रही थी कि ये कालम निगार हस्ती यहाँ से ज़रूर कोई मटेरियल निकाल कर कालम लेकर आएंगी और अगले लम्हे उनका ताज़ा कालम ख़वातीन की ऊंची एड़ी के जूतों के इस्तेमाल, बदिक्कत उसमें फिरना और साथ ही मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पैरों पर उसके नुकसानात पर लिखा नास परवीन का कालम दिखाई दिया। शायद हमें लगे कि कालम निगारी कोई आसान काम होगा लेकिन ये एक मुश्किल तरीन सिंफ है। लिखने वाला अपने इर्द गिर्द का बहुत होशियारी से मुशाहिदा करता है। बज़ाहिर तो वो अपने एहसासात को आसान अल्फाज में बयान कर देता है लेकिन फिर अपनी लिखी हुई तज़िया माशरे पर उसका असर और उस मसले का मुमकिन हल बयान करना बड़ा मुश्किल अमर होता है। लेकिन नास का कमाल ये है कि अपनी तहरीर में गैर ज़रूरी तज़ीन व आरइश और भारी भरकम अल्फाज की बजाय आसान फहम और अल्फाज का चुनाव करके बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं। एक कालिम निगार को ये भी एहतियात करनी पड़ती है कि इसकी तहरीर से किसी का दिल ना दुखे, मसलक के मुतलिक कोई बात ना हो। अगरचे बात कड़वी ही क्यों ना हो लेकिन गुड़ या शक्कर में लपेट कर हलक से उतारने का फन नास ही जानती है। एक जगह वो कहती हैं जान से प्यारे लोगों से कुछ कुछ पर्दा लाजिम है, सारी बात बताने वाले कुछ कुछ पागल होते हैं। नाज अपने कारीन की तवज्जो मुख्तलिफ मसाइल, रस्म रिवाज, तारीख, ख्वातीन के मसाइल, मशहूर व मारूफ लोगों की सवान उम्री व कारनामे, आला अफसरान की अपनी ड्यूटी से चश्मपोशी या गरीबों की बेबसी उन्हें रुला रुला देती है। तब भी वो कह उठती है
शोर बरपा है खाना दिल में, कोई दीवार सी गिरी है भी, शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है भी। पिशावर के पुराने खूबसूरत रस्म रिवाज का तस्करा करके गमजदा हो जाती है, कहती हैं पिशावर में हिंदुआन आपस में हिंद को ही बोलते हैं और बच्चों के साथ उर्दू में बात करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन की लाइफ हिस्ट्री, दलीप कुमार, बेनज़ीर भुट्टो, आमिर लियाकत अली के अरूज सवाल, चाइना और मुख्तलिफ ममालिक की सैर, उनके कालम से ही आगाही होती है। ख्वातीन और माओं के लिए वो बड़ी हसास होकर लिखती हैं। हाथों में रस्सियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, शहजादियाँ थी पहले, अब सिर्फ लड़कियाँ हैं। ये माएँ जो होती हैं खुदा का रूप होती हैं, ये माएँ जो होती हैं बहुत ख़ास होती हैं। हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि नाज़ परवीन का कलम इसी तरह फूल बकेरता रहे और ता जिंदगी खुश व आबाद रहे। आमीन। हर अंदाज दे दिल फरेब दे गुजड़ गया, हर अंदाज दे दिल फरेब दे गुजड़ गया, द एहसास ना डक निकल दी द कतू दी। एहसास और नाज़ परवीन, प्यार भरे एहसास के साथ तमाम आने वाले मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत और सलाम। सबसे पहले तो मैं नाज़ परवीन को दिल की गहराइयों से, एहसास के कालमों से भरी हुई किताब पे मुबारकबाद देती हूँ। मैं नाज़ परवीन को जितना जानती हूँ तो मेरे ख़्याल में एक इंसान को जानने के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है। एक प्यारी और बज़ाहिर नाजुक, अंदर से मज़बूत गुड़िया है जो नाजों से फली बड़ी हैं, बड़ी हुई है। वो इसलिए कि इकलौती होने के नाते ज़ाहिर ख़ानदान का सारा प्यार इसी के हिस्से में आया होगा। इसी तरह के बंदों में बहुत ज़्यादा एहसास होता है और उनके एहसास का खाना अक्सर या तो खाली होता है और या ऐसे बंदे बात बात पे रोने लग जाते हैं। सलाम है नाज की हिम्मत और हौसले को। नाज एक बाहिम्मत और एहसास खातून हैं, एक चट्टान जैसी मजबूत है वो, और अपने घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ कई ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करती हैं और अपने किरदार में चुस्त और चाबक रहती है। चाइना विंडो के डायरेक्टर होने के नाते कई मुल्कों के वो सफ़र कर चुकी हैं। नाज़ परवीन बहुत असास तबीयत की मालिक है और इसका अंदाज़ इसके लिखे हुए तमाम कालमों से होता है। लेकिन नाज़ परवीन रोने वालों में से नहीं। लाड प्यार ने नाज़ को हिम्मत और हौसला दिया है और मेरे ख्याल में ये सारा क्रेडिट हमारे प्यारे भाई अमजद अजीज मलक को जाता है कि उन्होंने नाज को रास्ता दिया, उन्होंने नाज को राह दिखाई और अपने साथ शाना बशाना जाने के लिए उनके साथ हम कदम रहे। अगर वो ना चाहते तो आज नाज इस मकाम पर ना होती, क्योंकि नाज परवीन की तरह हर दूसरे घर में एक इसी तरह की बासलाहियत खातून मौजूद है जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से उनके दिल के, उनके अरमान और सलाहियतों का गला घोंट दिया जाता है और उनके एहसासात सुलग सुलग कर और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि यह सारा क्रेडिट हमारे भाई अमजद अजीज मलक साहब को जाता है। नाज़ परवीन एक इंसान दोस्त खातून है, हमेशा इंसान से प्यार करने वाली। इनके तमाम कालम्स एहसास और जज्बात के में डूबे हुए अल्फाज होते हैं। अल्फाज के चुनाव में इकबाल की मानिंद, अल्फाज के चुनाव में इकबाल की मानिंद, वफाओं में किरदार में बिलाल की मानिंद। लोग जहां जाते हैं तो सिर्फ वो वक्त इंजॉय करने जाते हैं, लेकिन नाज़ परवीन जहां भी जाती है एहसास भरे कहानी को
को ذہن نشین کر کے لاتی ہے اور اپنے کالمز میں شیئر کرتی ہے یہ تمام لوگوں کا کام نہیں یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے جس طرح شاعروں کو شاعروں پر آمد ہوتی ہے اسی طرح یہ لوگ بھی اسپیشل گنے چنے لوگ ہوتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ناز اپنی سریلی آواز میں اس کالمز کو آڈیو میں بھی شیئر کرتی ہیں ہم چاہے کھانا کھائیں چائے پیئے یا آنکھیں بند کر کے ان کے کالم سنتے ہیں اور بہت عبرت آموز ٹاپک اور عبرت آموز الفاظ اور حقیقت پر مبنی کہانیاں ہوتی ہیں اور ہمیں بہت کچھ ان کی وجہ سے پتہ چلا ناز پروین بطور سیکرٹری انر ویل آرگنائزیشن میں کام بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے فرائض ایک بیدار سپہ سالار کی طرح نبھاتی ہے تو اس وقت یہی شعر ناز پروین پہ جچتا ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ہم ہے ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے یہ تمام آنے والے لوگ ناز کی محبت کی وجہ سے یہاں موجود ہیں آخر میں دل کی گہرائیوں سے ناز کو ایسی دعا دوں گی کہ زندگی کہ ہر میدان میں کامیاب اور کامران رہے وہ بیک وقت ایک اچھی بیوی اچھی ماں اور اچھی کارکن اور اوروں کے لیے مشعل راہ ہے ہر ایک انداز دل فریب ہے جانِ من تیرا ہر ایک انداز دل فریب ہے جانِ من تیرا تیرے احساس کی خوشبو کی مہک لاسانی تیرے احساس کی خوشبو کی مہک لاسانی بہت شکریہ محترم جناب امجد جی ملک تغمہ امتیاز مہمان خصوصی جی محترم جناب ارشد عزیز ملک صدر پشاور پریس کلب محترمہ بشرا فرق صاحبہ تغمہ حسن کارکردگی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے دوستو خواتین و حضرات میرے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے مجھے امجد صاحب نے پرسوں واٹس ایپ پہ دعوت دی میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے پاس کتاب تو ہے نہیں ہے تو میں اپنی بھابھی کی اس کتاب کے متعلق اپنی کیا رائے دوں بہرحال ابھی مشتاق شباب صاحب نے بھی یہ بات کی ہے سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں بالخصوص کاروان ہوا فرم کا کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں بولنے کا موقع فراہم کیا میں اپنی بھابھی صدر محفل محترمہ بشرا فرق صاحبہ روح رواں کاروان ہوا اور آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی اور میرے بھائی محترم امجد عزیز ملک کا بھی شکر گزار ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں محترمہ ناز پروین صاحبہ جو کہ ایک اچھی کالم نگار بھی ہیں اور چائنا ونڈو کی ڈائریکٹر بھی ہیں ان کو اس خوبصورت کاوش پر جو ہمارے سامنے احساس کی صورت میں موجود ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لکھاری کی وہ قدر نہیں کی جاتی جو اس کا حق ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھنا لکھانا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے اور مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ شاعر ادیب لکھاری یہ سارے فارغ لوگ ہیں اسی لیے جب انہیں کوئی اور کام نہیں ملتا تو لکھنے بیٹھ جاتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے ٹھیک ہے وہ فیض صاحب کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زمانے میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں ہے جسے کوئی غم نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لکھاری لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اپنے غموں کو بھول کر بغیر کسی دہد تحسین کے دوسروں کی خوشی میں
अपनी खुशियाँ तलाश करते हैं और इसके साथ साथ फिर मैं ख्वातीन को तो मैं बहुत दाद देता हूँ क्योंकि माशरे में ख्वातीन को आगे बढ़ने का मौके ही कम मिलते हैं बल्कि इन्हें तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। इन तमाम तर मुश्किलात और मसाइल के बावजूद भी एक खातून जो कि माँ भी है बीवी भी है बहन भी है मंजर आम पर आए तो ये इसे मैं समझता हूँ कि उसे 21 तोपों की सलामी दी जाए। हमारी भाभी नाज़ परवीन ने इस मुश्किल मैदान को फतह करके ये बात साबित की है कि वो वाकई अमजद अजीज मलिक की अहलियाँ हैं। इनके आगे कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल ये मुझे ये किताब पढ़ने का मौका मिले तो मैं ज़रूर इस किताब पर कालम की सूरत में कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालने की कोशिश करूँगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, सिर्फ इस मौके पर अबसीन कालम राइटर एसोसिएशन के सदर की हैसियत से एक दफ़ा फिर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अमजद अजीज़ मलिक और बुशरा फ़र्रुख़ साहिबा को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तगमे हुस्न कारकर्दगी और तगमे इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ज़ ख़्वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। बहुत से दूसरे असाब और ख़्वातीन की तरह मैं भी मेरा भी ये एहसास है कि मुझे किताब से पहले देखने को नहीं मिली कि मैं किताब के बारे में कुछ कहूँ। अलबत्ता बहुत मुख्तसर तौर पर दो बातें अर्ज़ करूँगा। एक बात तो ये हुई कि मोहतरमा नाज़ परवीन और अमजद अजीज़ मलिक साहब उनकी पहचान है और इस बारे में मैं ये कहूँगा कि अमजद अजीज़ मलिक साहब के साथ मेरी जान पहचान तकरीबन 20-25 साल से ज़्यादा है अगर मैं गलत नहीं हूँ और उन्होंने मुझे एक मरतबा दावत दी कि आप आएँ चाइना विंडो देखें और उसका दौरा करें और मुझे अफसोस है कि मैं उसकी तामील न कर सका और आज तक मुझे ये नसीब नहीं हुआ कि मैं ये इतना बड़ा इदारा देख सकूं। लेकिन गुज़श्त रोज़ नाज़ परवीन साहिबा ने दावत दी और मुझे कहा कि आप आएँ चाइना विंडो भी देखें तो मैं हाज़िर हुआ तो ये दोनों सआदतें हासिल हो गई और अब मेरा ख़्याल है कि जिस तरह कहा जा रहा था कि अमजद अजीज़ मलिक साहब पहचान है नाज़ परवीन साहिबा की लेकिन मेरे ख़्याल में मेरी मिसाल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अमजद अजीज़ मलिक साहब की पहचान नाज़ परवीन साहिबा बन गई है और इंशाअल्लाह वक्त आ रहा है कि ये जिस तरह ख्वातीन ने बहुत अच्छे तबसरे किए उनके कालमों पर तो मुझे उम्मीद है नाज़ परवीन साहिबा मेरी ज़ाती अर्ज करूँ मेरी एक ही बहन है मुझसे उम्र में बड़ी हैं हयात हैं माशाल्लाह और नाज़ परवीन मेरी छोटी बहन हो गई और अमजद अजीज़ मलिक साहब मेरे क्या लगते हैं वो आप बता दें। बहुत शुक्रिया। तो ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आई हैं। हाँ कालम के बारे में मैं अर्ज़ कर दूँ तहरीक-ए- निफाज़ उर्दू के व्हाट्सएप ग्रुप में उनका कालम छपा और उन्होंने कालम जब दिया तो साथ उसके सौती लिहाज से भी उन्होंने यानी ऑडियो जिसे कहते हैं हम उसमें भी सुनाया
आप यकीन जानिए, मैंने वो रख दिया मोबाइल और उसको सुन रहा था, और मैंने पढ़ा नहीं। पढ़ने में इतना मवाद है व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में कि आप उसको नहीं पढ़ सकते। अखबारात भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उन्होंने ऐसे लगा कि मेरी बहन मेरे साथ बैठी हैं और कालम सुना रही हैं। शायद आपको भी तजर्बा हुआ हो इस बात का, लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा ये बात पसंद आई कि उन्होंने कालम को ऑडियो की शक्ल दी, सोती असरात से वाज़े किया, और कालम के अंदर जितनी भी खूबियाँ यहाँ बयान की गई हैं, बताया गया है, वो बिल्कुल उसके अहल था कि उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा नवाज़ परवीन साहबा का और अपने बहनोई अमजद अजीज मलिक साहब का, उन्होंने आज चाइना विंडो भी दिखाई और मुझे इस तकरीब में शामिल होने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी कोई बहन, जब मेरी कोई भाभी, इस तरह की कलम कबीले की कोई खातून उठकर साहिब किताब हो जाती है। यकीन करें, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी होती है। नाज़ परवीन ने भी जो है वो एक, मैं समझता हूँ, कारनामा किया है, और उनके कालमों में इतनी खूबसूरती होती है और इतनी दिलेरी होती है कि वो बाज़ दफ़ा वो बातें भी उसमें लिख लेती हैं जो कि आम सहाफ़ी जो है वो लिखने से घबराता है, डरता है कि कहीं वीगो वाले उठा के ना ले जाएं। लेकिन एक जो है उनके कालमों में जो सबसे खूबसूरत और अच्छी बात होती है कि वो उसकी ऑडियो भी साथ साथ शेयर करती हैं, और बैठे उठे खाना खाते आप उसको बड़े अच्छे तरीके से सुन सकती हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको भी और अमजद अजीज़ मलिक साहब को भी कि उनको भी सदारती तमगा एवार्ड जो है वो मिला है। उनके लिए एक मंजूम कलाम है, परवाज़ रिफतों पे हो मांग दे शाहीन, नास करे तुझ पे ज़माना नास परवीन, सहरे कलम हो ऐसा तासीर बेमिसाल, कलम पे हर सू पाए दादो तहसीन, नाज करे तुझ पे जमाना नाज परवीन, दुख मिले न दर्द सदा रहे सुहागन, अमजद के साथ दुनिया तेरी रहे रंगीन, बामे उरूज पर रहे बामे मौजूद पर रहे तू हर दम, मौला की रहमतों की ऐसी मिले तस्कीन, नाज करे तुझ पे जमाना नाज परवीन, नाशाद हो ना कभी हर दम रहे दिलशाद, रोशन रहे तेरा तेरी ये चमन सी जबीन, इल्मो हुनर में रहे ऐसा तुझे कमाल, इकदार सहाफत की खादिम रहे अमीन, नाज करे तुझ पे जमाना नाज परवीन। और एक हमारी रिवायत है पेशावरियों की भी, पठानों की भी, कि वो अपनी बहन के ऊपर एक चादर रखते हैं, डालते हैं, ताकि वो सदा सुहागन रहें और उन पे कभी रंग गम और दुख के बादल ना आए। तो उनके लिए एक छोटा सा तोहफा पेश खिदमत है। नाम सीधे से वाकफ़ है, मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद अकबर सेठी है, मैं पाकिस्तान हिंदुवान तहरीक का सूबाई सदर हूं। किताब दी रनुमाई एहसास, लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है एहसास, और इन्होंने जड़े कालम निगारी की थी, ये मैंने किताब तो पढ़ी नहीं, लेकिन मेरे को कुछ इन्हें कॉलम्स आए जड़े मैंने पढ़े, उन्होंने बड़ी खूबसूरती नाल बड़े ही कीमती जड़े वर्ड्स होंगे इस्तेमाल करके बड़े ही प्यार दे नाल इन्होंने जड़ी तहरीर की है, मैं बहुत पसंद आई है। माशाल्लाह, मेरी दुआ है इन्होंने से कि अल्लाह ताला इन्होंने आगे भी कामयाब करे। मैं खुश होना वहाँ कि साड़ी इस माशरे की जड़ी औरतन और मर्दा दे शाना बशाना मिल के अगे काम कर दियन, तो पाकिस्तान की कौम से तो पाकिस्तान से तरक्की का इजहार कर दियन, बल्कि अगे बढ़ दियन। मैं मेहमानों ने तो बहुत कुछ किया है, इजहार राय कर चुके हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि अजाना का भी टाइम है। साड़ी पाकिस्तान इनको वन तहरीक दी एक रिवायत है कि असी अपने जितने भी पेशावर सी जड़े लोग उन औरतें या साढ़े बुजुर्ग उन जो भी किसी भी शोबे से उन्होंने ताल्लुक हो असी उन्होंने एक एजाज़ नवाजने, तो मैं अपने सेक्रेटरी साहब कहना हो कि जरा और शील्ड ले आऊँ कि मैं इन्होंने शील्ड अपनी बैंड नाज साहब में शील्ड पेश करा। बहुत शुक्रिया, और मेरी पूरे पाकिस्तान इनको वन तहरीक की तरफों बल्कि इनको वन कौम की तरफों इन्होंने एजाज़ है। अस्सलामु अलैकुम ख्वातीन हज़रात, उम्मीद है मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी।
मेरे घर में रात तकरीबन 10 बजे के इर्द गिर्द एक आवाज़ उभरती है, वो होती है मेरी बेगम जो यहाँ बैठी हुई हैं रोज़ी मुफ्ती, उनके मोबाइल से, और वो सोती कालम जिसका ज़िक्र अभी हो चुका है मुझसे पहले, वो मैं सुनता रहता हूँ। इसके अलावा कभी कभार मैंने एक दो चार दफ़ा पढ़ा भी है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा सुनना, और काफ़ी कालम पढ़े। चूँकि मैं ना लिखारी हूँ और ना अदब से मेरा कोई ताल्लुक है, मैं बेसिकली अनाड़ी हूँ। चूँकि यहाँ बुलाया गया हूँ तो मेरी कोशिश ये थी कि यहाँ पर मैडम नाज परवीन साहबा ने, उन्होंने कहा कि ये किताब है, इस पर आप कुछ बोलें, तो मैंने कहा जी आप किताब मुझे दे दें। अभी ये किताब मिली है, मैं एक काम जानता हूँ, और मुझे कहा गया है कि सर्जरी के शोबे के अलावा, जो मैं सर्जन और एजुकेशनस वगैरह रहा हूँ, उसके अलावा कोई किताब जब आपको मिले और उस पर आपको कमेंट करने का कहा जाए, तो किताब के पहला और आखिरी सफ़ा ये देख लिया करें और उस पर कमेंट कर लें। कॉलम के हवाले से कॉलम के हवाले से भी मैं यही ट्रिक इस्तेमाल करूँगा, और बजाय इसके कि पहला और आखिरी कॉलम मैं कहूँ, तो मैं तो ये समझता हूँ कि दरमियान में से किताब मैंने खोली है। कॉलम चूँकि मैंने बहुत सारे सुने हैं, और ये गलत नहीं होगा कि जो मैं कहना चाहूँगा, मेरे कॉलम जो है सुनने की मेयार ये है कि वो उसका इब्तदाइया बहुत अच्छा हो और उसका इख्तिताम बहुत अच्छा हो। इनका मैंने पढ़ना नहीं है कुछ भी, आप घबराइए नहीं, मैंने पढ़ना नहीं है। असल में बात यह है कि इनके दरमियान वाले एक सफ़ा नंबर जो भी है 112 है कि 25 है, सरकारी मेहमान खाना, जिसका मतलब है जेल। इन्होंने इब्तदा की है, पूरा एक पैरा लिख दिया है कि जेल की हवा नाज परवीन ने किस तरह खाई और किस तरह क्या हुआ और ये जेल गई। मेरा ख्वाहिश है कि आप ज़रूर इसको पढ़ें ताकि आपको पता चले कि ये जेल कैसे गई। और दूसरी जो है वो इन्होंने एक अलविदा इस्माइल तारा की अलविदा में इन्होंने आखिर में कहा कि उसका यानी इख्तिताम करते हुए कहा कि इस्माइल तारा मेरे बड़े बचपन के साथी या बचपन की यादें हैं, और वो उनसे मतलब कुछ कहा और कहा कि वो अब हमें नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि मेरे बचपन नहीं तो मेरी जवानी के साथी इस्माइल तारा थे और मेरे उधेड़पन में भी थे, और मेरा ख्याल है कि नाज परवीन हमारी बहन है जो बहुत छोटी उम्र में, और मुझे हैरत हुई कि मैं भी अपने आप को 76 साल की बजाय 50 साल का क्लेम कर सकता हूँ। ये किताब ज़रूर पढ़ें, एहसास इसका नाम है। अगर पढ़ने के मौका मिल जाए तो मैं ख़ुद भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये वाहिद किताब है इनकी जो कॉलम के हवाले से मैंने पढ़ी, और इनकी पहली किताब है। उम्मीद है कि ये किताब अब किताबों का सिलसिला बन जाएगा। तो आपको बहुत बहुत मुबारक नाज परवीन, ग्रेट वंडरफुल जॉब एंड अ वंडरफुल क्राउड, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अमजद भाई और नाज परवीन को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ कि बिल आखिर मेरी दोस्त नाज ने वो काम कर दिखाया जिस पे हम सब दोस्तों को बहुत नाज है। मगर एक मुश्किल आन पड़ी है और जिसका एहसास मुझे आज हुआ है कि दोस्त के बारे में कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है, और वो भी ऐसी इल्मी और अदबी महफिल में, क्योंकि दोस्तों का इल्म तो हमें बखूबी एक दूसरे का होता है और हम सब जानते हैं, मगर अदब और दोस्ती दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर दोस्तों में भी अदब आ गया तो फिर दोस्ती काहे की। नाज परवीन से मेरी मुलाकात आज के अक्टूबर के ही महीने में हुई थी और तकरीबन 2-2.5 साल पर हमारी दोस्ती मुहित है। मेरी पहली मुलाकात में मुझे नाज काफ़ी मगरूर सी और अपनी ज़ात की मैं में गुम सी शख्सियत महसूस हुई, मगर दूसरी मुलाकात में कसौटी डिजिटल के फोरम पर जब मैंने नाज को देखा, बात बे बात बुलंदो बांग कह के लगाते हुए बज़ाहिर लापरवासी नाज मुझे नज़र आई, तो बेख्तियार मेरे जहन में एक इंग्लिश कहावत आ गई, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और मेरा इंटरव्यू एक मंझे हुए एंकर की तरह करके मुझे हैरान कर दिया, और फिर कुछ ही दिनों बाद परेशान भी, जब मैंने एहसास के उन्वान से कसौटी में इसका कॉलम पढ़ा तो एक नया रूप सामने आया। हसास, नर्म हूँ और दर्द मंद दिल रखने वाली,
और शायद लिखारी होता ही हसास है। अगर उसमें से एहसास को निकाल दिया जाए तो शायद वो कभी लिख ही ना पाए। ये हसास तबीयत ही उसे हाथ में कलम थमाती है, उसके जहन के बंद दरीचे खोलती है। नाज की तहरीरें भी धूप और छांव जैसी हैं, कभी शोला है, कभी शबनम है, कभी सावन की हल्की फुहार जैसी है और कभी गरजते बरसते बादलों के साथ मौसलाधार बारिश जैसी है। हर कॉलम में एक अछूता और मुनफरिद मौजू लेकर आती है, चाहे वो माशरती मसाइल पर हो, आलमी, इलाकाई या ड्रामाई या फिर तारीखी, और उनको अपने मुनफरिद तर्ज बयान से ऐसे दिलचस्प तरीके से बयान करती है कि पढ़ने वाला उसमें खोकर खुद को उसी कॉलम का हिस्सा या किरदार समझता है। शीशे का फर्श हो या मोरों जैसी चाल, फलों के बादशाह आम की तारीफ हो या आप तसल्ली से मर जाएं। यकीन करें, जब ये मौजू मैंने इसका पढ़ा तो मैं थोड़ी देर को कांप गई, लरस गई कि ये नाज हमें क्या कह रही है, आप तसल्ली से मर जाएं। हैरान हूँ कि या खुदा, ये नाज कहाँ कहाँ से चुन चुन कर मौजूआत लेकर आती है और फिर हार्पिक की तरह चुन चुन कर मारती भी है। इस वक्त कहने को सुनने को बहुत कुछ है, मगर वक्त कम और मुकाबला सख्त है, लिहाजा बहुत सी दुआओं के साथ कहूँगी कि प्यारी नाज, तेरी दोस्ती पे मुझे नाज है, सलामत रहो और अपने कलम से यूं ही मोती बिखेरती रहो और हम इन मोतियों को चुन चुन कर मालाएं पिरोते रहें। शुक्रिया। किसी भी कामयाब मर्द के पीछे खातून होती हैं और इससे कोई इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरी अहलिया के तौर नाज ने न सिर्फ ये कि मेरी कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया, बल्कि यहाँ पे मैं एक इंकशाफ करना चाहूँगा। जो मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी बैक 95 में, जब शादी के बाद मैं अमेरिका में था और अमेरिका में 96 के बाद जब वापस आया तो कुछ चीज़ें अंग्रेज़ी से ट्रांसलेट करनी थी, तो मुझे खुशी है यहाँ पे अंग्रेज़ी अदब की बात भी हुई तो नाज ने बहुत सी चीज़ें अंग्रेज़ी से ट्रांसलेट की हूँ। तो मैं समझता हूँ कि देखिए वो दिन है और आज का दिन है, एक शौक़ था उनमें, मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन जब चूंकि मैं मुझे अपना अखबार शुरू करने का मौका मिला तो उस ये अखबार सबके लिए हाजिर था कि आप लिखें, तो इन्होंने भी लिखना शुरू किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा। मैं कॉलम पढ़ता हूँ, ये मुझसे पूछती हैं कि मैंने कॉलम भेजा आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ, मेरी मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन कॉलम मेरे पढ़े बगैर शाया ही नहीं हो सकता और जब तक एडिटर उसको देख ना ले तो मैं समझता हूँ कि हमें कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इस किताब को कौमली शक्ल देने में इनका अपना रोल था, शायद मेरे दोस्त ये समझते हों कि किताब छपवाई मैंने, किताब से पहले कालम निगारी में मेरा हिस्सा था, तो ना तो कालम निगारी में मेरा कोई हिस्सा था, कभी कतन मैंने एक लाइन एक जुमला भी नहीं लिखा, अगरचे मैंने खुद अपनी सितारा किताब में लिखी लेकिन इनके लिए मैंने एक जुमला नहीं लिखा। तो ये बात बड़ी वाजे है कि जो कुछ लिखा वो इन्होंने लिखा। जहाँ तक किताब की प्रिंटिंग और किताब शाया करने का था, मेरी ख्वाहिश थी कि ये कुछ अरसा पहले शाया हो जाती और हम जब बुशरा ने की तकरीब की रुनुमाई की किताबों की तो उसमें ये किताब भी शामिल होती, लेकिन थोड़ी सी ताखीर हो गई। बहरहाल मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अभी रऊफ रोहिला साहब से भी बात कर रहा था कि फंक्शन का टाइम 4 बजे है, 3 बजे मुझे एम्बेसी से फ़ोन आता है और एक मेहमान आते हैं, मैं उनको लुक आफ्टर करता हूँ और यहाँ पे मेहमानों की आमदोरफ़ भी 3 बजे शुरू हो जाती है और ये शायद पहला, मुझसे यहाँ पे अदीब शायर बैठे हुए हैं, ये पहला फंक्शन है बड़े तवील अरसे के बाद जो अपने मुकर्रा वक्त पर शुरू हुआ, 4 बजे शुरू हो गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है और यकीनी तौर पर मेरी जानिब से हौसला अफजाई का ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अगर मैं आखिर में ये कहूँ कि इसका क्रेडिट जो है वो कारवान हवा को जाता है तो ये गलत नहीं होगा। तो मैं कारवान हवा बुशरा भाभी को ख़ास तौर पे, आपकी तमाम मेंबर्स को ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी दिलचस्पी, आपकी हौसला अफजाई की वजह से आपने एक और अपने कलम कबीले में एक खातून को शामिल किया जो यकीनी तौर पर आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिशों में मसरूफ़ है। मैं आपसे अपील भी करूँगा कि हर कदम पर हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रखें और आने वाले दिनों में और भी बहुत सी किताबें होंगी। मुझे खुशी है कि यहाँ पे हम तकरीब कर सकते हैं, अब इंशाल्लाह इस मरकज़ को हमने अदबी तकरीबात का मरकज़ भी बनाना है।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहेगा। आज शायद शुक्राने के इतने नफल पढ़ूंगी कि शायद सजदे से सर ही ना उठा सकूं कि मुझे बैठे बिठाए इतने मुअज़्ज़ज़ बहन भाई मिल गए, और मुझे कतन उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे। आजकल अदब से पढ़ने पढ़ाने से लोगों की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो अगर बस चलता तो यहाँ जितने हजरात और ख्वातीन बैठे हैं मैं सबको दावत देती कि वो आते और यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते, लेकिन फिर वही है कि तंगी दामा वक्त की कमी है। इसलिए आप सब की आमद का मैं तहे दिल से शुक्र गुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पर सिर्फ ग्रुपों में कार्ड शेयर किए और उस पर जो है आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और जहाँ तक मेरा अपने ज़ात का ताल्लुक़ है तो मैं एक बात कहूँ कि आप हम मशरक़ी माशरा जो है इसमें औरत उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक जब वो कुंवारी हो तो उसको अपने बाप और भाई की मुकम्मल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और जब वो शादीशुदा हो जाए तो जब तक उसका शोहर उसका साथ ना दे, जब तक उसका शोहर उसको सपोर्ट ना करे, जब तक उसका शोहर उसकी हौसला अफजाई ना करे, उस वक्त तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आगे बढ़े। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन खुशकिस्मत ख्वातीन में से हूँ कि मुझे ऐसा शोहर अल्लाह ताला ने नसीब किया कि जब मैंने लिखना लिखाना शुरू किया, मुख्तलिफ तंजीमें ज्वाइन की, मुख्तलिफ तंजीमों में आना जाना शुरू किया, मुख्तलिफ तकरीबात में आना जाना शुरू किया, उन्होंने मेरे आने जाने पर मेरे लिखने लिखाने पर कोई कदगन कभी कोई रोक टोक नहीं की, हमेशा शाबाश दी, हमेशा उसको सराहा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि अगर मुझे मेरे शोहर की सपोर्ट ना होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती। और अमजद के बाद अगर मैं इस मैदान में कुछ करने के काबिल हुई हूँ तो वह बुशरा आपा है, क्योंकि कारवाने हवा मैं चाहे कितनी भी आगे चली जाऊं, कारवाने हवा हमेशा मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, क्योंकि कारवाने हवा में जब मैं दाखिल हुई तो उसने मुझके मेरे ऊपर एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया लिखने लिखाने का, अदीबों से मिलने का, मुशायरे अटेंड करने का, महाफिल मुसालमा अटेंड करने का, और मुझे एक लिखारी से एंकर पर्सन बनाने में हाथ जो है वो बुशरा आपा का है। इतनी बड़ी बड़ी तकरीबात खाने फहरंग में हुई और इन्होंने मुझे कहा कि आप होस्ट करोगी, मैंने नहीं कहा मुझे तजर्बा नहीं, इन्होंने कहा नहीं आप करोगी, और इतना ज़्यादा एतमाद एक न्यू कमर पर। कारवान में सब लोग एक दूसरे को 25, 26, 30 साल से जानते हैं, जबकि मुझे आए हुए मुश्किल 4 साल हुए हैं, और इन 4 सालों में मेरे ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद कि मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डाल दी गई, मेरे ऊपर इतना एतमाद किया गया। और मैं तहे दिल से शुक्र गुज़ार हूँ बुशरा आपा का कि उनकी वजह से ही मैं आज इस मकाम पर पहुँची हूँ। और एक बार फिर आप सब लोगों की आमद का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं कारवाने हवा लिटरेरी फोरम की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप आज इस महफिल में आए, भरपूर शिरकत आपने की। उसके बाद मैं अपनी छोटी बहन नाज परवीन को और अमजद अज़ीज़ मलिक जो पहले मेरे भाई थे अब ज़्यादा बहनोई लगते हैं मुझे, दोनों को मुबारकबाद भी दूंगी और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगी। करवाने हवा लिटरेरी फोरम अगर मैं आपको बताऊं तो इस आज की तकरीब में हमारा कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, ये सारी एफर्ट जो है ये अमजद और नाज की मुश्तरक एफर्ट है, मेहमानों को इकट्ठा करना, सब कुछ करना, लेकिन ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने करवाने हवा के बैनर तले इस प्रोग्राम को अरेंज किया। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे लगता है कि ये नाज की किताब नहीं है, ये मेरी किताब है, और मेरे जिस मेंबर की किताब आती है, जिस दोस्त की किताब आती है, मुझे इतनी ही खुशी होती है कि मेरे करवाने हवा के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, उनकी किताबें आ रही हैं, उनकी पजीराइयाँ हो रही हैं, इन सब के अचीवमेंट्स जो हैं मेरी अचीवमेंट्स हैं, करवाने हवा के अचीवमेंट्स हैं। इसी तरह जब मेरी अचीवमेंट्स होती हैं तो मेरी ये दोस्तें ऐसे खुश होती हैं कि जैसे लगता है कि इनको कोई अवार्ड मिला है या इनकी किताब आई है, तो ये हमारा एक बहुत खूबसूरत हमारी तंजीम है, जो कि मैं कहूँगी तंजीम से ज़्यादा हमारा एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है जिससे हम मुंसलिक हैं।
गुज़श्ता 25-30 साल से हम मुंसलिक हैं, कारवाने हवा को बने तो भी 8 साल हुए। अमजद अजीज़ मलिक से मेरा रिश्ता 25-30 साल पुराना है, लेकिन नाज़ परवीन से मेरा रिश्ता जो है मेरा ख्याल कुछ 4 साल पहले शुरू हुआ, जब मैं चाइना विंडो आई अमजद की दावत पर, तो नाज़ से मेरी पहली मुलाकात हुई। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बातचीत का अंदाज़ मुझे इतना अच्छा लगा। मेरी तमाम दोस्तों को पता है करवाने हवा में बहुत मुश्किल से हम किसी को मेंबर बनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अप्रोच करते हैं, लेकिन हम बहुत देखभाल के मेंबर बनाते हैं, हर एक को मेंबर नहीं बनाते। तो नास वो खातून थी जिसको मैंने खुद कहा कि नास तुम हमारी मेंबर बनोगी, तो नास ने कहा क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इंटरव्यू के सिलसिले में आई थी कसोटी डिजिटल, तो मैंने अमजद को ये तजवीज़ दी, मैंने कहा अमजद आप ये जो इंटरव्यू करते हो लोगों के, तो ख़वातीन के इंटरव्यूज़ आप नास के लिए छोड़ दो, माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट बीवी है आपकी, तो ये ख़वातीन के इंटरव्यूज़ ये करा करें। उस दिन से नाज ने कंपेयरिंग का शो भी संभाला और माशाल्लाह वहाँ भी उसने कामयाबियों के झंडे गाड़े। मुझे याद अभी पिछले दिनों हमारा करवाने हवा का एक प्रोग्राम था जो कम अज़ कम 4 घंटे जारी रहा था, मुकर्रीन कुछ ज़्यादा थे और दूसरा ये कि जो भी लिख के लाता है वो कहता है मैं बात ज़्यादा करूँ, तो नाज कंपेयरिंग कर रही थी। नाज जो है तो आखिर में मैंने उससे कहा नाज थक तो नहीं गई, तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुमने आज बहुत बड़ा कमाल किया कि 4 घंटे तुमने स्टेज संभाला, और ये आसान नहीं होता, और मज़े की बात ही कि कोई एक छोटी सी गलती भी नहीं हुई, उसमें काफ़ी चेंजेस आते रही, मेहमान साथ आते रहे, हम बुलाते रहे, लेकिन लोगों को उस गड़बड़ का अंदाज़ा नहीं हुआ, सिर्फ जो टेंशन गुजरी वो मुझ पर और नाज पर गुजरी, लेकिन माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। और इन सब चीज़ों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई अमजद की कि उसने अपनी बीवी को इतना इतमाद दिया। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, हालांकि साहब सदर के पास तो इस्तेकाक होता है, वो तो बहुत सारी बात कर सकता है। मैंने पेश लफ्ज़ लिखा था नाज की किताब का, उसमें से सिर्फ एक पैराग्राफ आपके साथ शेयर करूँगी। इसके दरमियान में मैंने कहीं लिखा है कि नाज परवीन के कालम गुज़श्ता 3 बरसों से मुख्तलिफ अखबारात की जीनत बन रहे हैं, अपने मुनफरिद अंदाज की बदौलत कारीन से दादो तहसीन वसूल कर रहे हैं। इस वक्त मुझे कहीं लिखी हुई एक बात याद आ रही है कि अपने साए को आगे निकलता देखकर बेटे ने कहा था, अब्बा देखिए मैं आपसे बड़ा हो गया। उस वक्त अब्बा ने कहा था, तुम्हारे कद में मेरा कद भी तो शामिल है। इस दुनिया के स्टेज पर कोई भी शख्स किसी को अपने से आगे निकलता हुआ नहीं देखना चाहता, और अगर कोई आगे निकल जाता है तो पीछे रह जाने वाला गुस्से और हसद की आग में जलता रह जाता है। लेकिन ये हकीकत है कि उस्ताद अपने शागिर्द को और वालदैन अपनी औलाद को अपने से आगे निकलता देखकर खुश होते हैं कि इन बच्चों के आगे बढ़ने में वो भी शामिल हैं। यहाँ ये बात मैंने 2 हवालों से की। पहला हवाला जनाब अमजद अजीज़ मलिक का है, जो एक सीनियर कलमकार, मंजोवे सहाफ़ी और कई किताबों के मुसन्निफ होने के साथ साथ नाज के शोहरे नामदार भी हैं, और अपनी हम सफ़र को कदम ब कदम आगे बढ़ता देखकर खुश हो रहे हैं कि नाज की शख्सियत को निखारने और उसके अंदर छुपे हुए टैलेंट को सामने लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वरना एक खातून खाना होने के नाते कॉन्फ्रेंसें अटेंड करना, बैरून मुल्क दौरे करना और अमजद की अदबी और सहाफ़ती ज़िंदगी में इनकी मावनत करना इतना आसान काम नहीं, जो नाज बहुत खुशसूबी से अंजाम दे रही हैं। दूसरा हवाला करवाने हवा लिटरेरी फोरम का है, जिसका मेंबर बने नाज को वो मुश्किल 3 साल हुए हैं, लेकिन तमाम मेंबर्स के साथ ऐसी दोस्ती हो गई है जैसे बरसों पुरानी हो। करवाने हवा एक ऐसी तंजीम है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की तमाम नामवर हिंद को पश्तो और उर्दू लिखारी खवातीन शामिल हैं। ये तंजीम अदब लिखने वाली खवातीन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ शायरी, नसर, रिसर्च, अफसाने, नावल, सफरनामे और हमदोनात और दूसरे मौजूआत पर बहुत काम हो रहा है। हर साल 8 मार्च को साल भर में मेंबर ख्वातीन की लिखी हुई किताबों की रुनुमाई का एहतमाम भी किया जाता है, और इस कारवान की खसूसियत ये है कि नए आने वालों की रहनुमाई की जाती है, उन्हें खुले दिल से आगे आने का मौका फराहम किया जाता है और अपनी जूनियर्स की कामयाबी पर दिल से खुशी का इजहार किया जाता है। सो मैं उस्ताद, वालदैन और नाज के साथ साथ मोहब्बत करने वाले शोहर के साथ मुखलिस दोस्तों का इजाफा भी करना चाहूँगी। मेरा ख्याल है कि आज अमजद अजीज़ मलिक जो खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे कि उनकी प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर की पहली किताब सामने आ रही है, और करवाने हवा की चेयरपर्सन और नाज की पुरानी दोस्त होने के नाते मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि नाज को एतमाद देने और आगे लाने में थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा रहा है, वरना तो ये टैलेंट नाज का अपना था जो कहीं छुपा हुआ था, और हमारी सिर्फ इसमें इतना कसूर है कि हम उसको उंगली पकड़ के आगे लेके आए कि नाज तुम आओ, तुम ये सब कर सकती हो, और नाज ने कर दिखाया कि वाकई वो मल्टी टैलेंटेड खातून है और वो ये सारे काम कर रही है।
एहसास के नाम से कॉलम लिखने वाली नाज परवीन के लिए बहुत सारी दुआओं और इस उम्मीद के साथ कि नाज अपने अदबी सफ़र के इस पहले पड़ाव पर रुकेगी नहीं बल्कि आगे ही आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है जिसे पाने के लिए वो ताज़ा दम भी है और पुरजोश भी। एक दफ़ा फिर करवाने हवा की जानिब से, मेरी जानिब से ढेर मुबारकबाद नाज को, नाज के बच्चों को, नाज के शोहरे नामदार को, नाज के वालदैन को, बहन भाइयों को और तमाम ख़ानदान को, क्योंकि किताब लाना जो है वो आसान नहीं होता। साहिब किताब बनने के लिए एक उम्र गुजारनी पड़ती है और नाज ने ये काम बहुत थोड़े अरसे में सर अंजाम दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।